हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि दोस्तों आज की तीसरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को दो वीडियो करा चुके हैं, तो दोस्तों आज की ये तीसरी वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप दोनों लोगों ने वो दो वीडियो नहीं, तो आप चैनल में चैनल पर जाके आप दोस्तों वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, गोबर की खाद होती है उसमें N2O की मात्रा कितनी पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें 0.5 से 1% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.5 से 1% पाई जाती है गोबर की खाद में। दोस्तों, अगला पॉइंट है, 21वीं सदी को कहा जाता है। दोस्तों, 21वीं सदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से? दोस्तों, जो 21वीं सदी को कहा जाता है वो गैस की शताब्दी कहा जाता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए गैस, ये जो गैस थी वो कौन सी शताब्दी में आई, तो दोस्तों गैस थी तो वो 21वीं सदी में आई। कौन सी शताब्दी? 21वीं शताब्दी को गैस कहा जाता है, 21वीं शताब्दी में गैस आई। दोस्तों, अगला पॉइंट है, दोस्तों तो अगला पॉइंट है मेरा, नाभिकीय ऊर्जा का विकास हुआ था। तो दोस्तों, जो नाभिकीय ऊर्जा का विकास हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का विकास यूएसए में 1957 में हुआ था। कब हुआ था? यूएसए में हुआ, और कब हुआ? 1957 में हुआ था। दोस्तों, अगला पॉइंट है, कोयले का वह प्रकार क्या? दोस्तों, कोयले का वह प्रकार जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, दोस्तों कोयले का वो कौन सा प्रकार है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये विद्युमिन कोयला, विद्युमिन या चारकोल कोयला जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों? विद्युमिन या चारकोल कोयला जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है? दोस्तों, कौन सा राज्य जिसने पवन ऊर्जा विकसित की है? तो दोस्तों, ये गुजरात है। कौन सा राज्य? गुजरात है जिसने पवन ऊर्जा विकसित की है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, श्वेत कोयला है। दोस्तों, श्वेत कोयला क्या है? तो दोस्तों, जो जल विद्युत है वो श्वेत कोयला है। क्या दोस्तों? जल विद्युत श्वेत कोयला है। इससे दोस्तों, अगला पॉइंट है, संसार का पहला टाइडल स्टेशन कब बना? क्या दोस्तों? संसार का पहला टाइडल स्टेशन कब बना? तो दोस्तों, ये 1965 में बना। कब बना? 1965 में बना। दोस्तों, अगला पॉइंट है, संसार का पहला टाइडल स्टेशन कहाँ बनाया गया था? क्या दोस्तों? संसार का पहला टाइडल स्टेशन कहाँ बनाया गया था? दोस्तों, ये फ्रांस में बनाया गया था। और दोस्तों, कब बना था? 1965 में। कब बना था? कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। दोस्तों, अगला पॉइंट है, बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाले ड्रिप को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो बायोगैस प्लांट होता है तो उसमें जो आउटलेट पाइप से जो बहता ड्रिप है तो उससे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो आउटलेट पाइप से बहने वाले ड्रिप को स्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्लरी कहते हैं। अगला पॉइंट है, फ्यूल सेल होते हैं। दोस्तों, फ्यूल सेल होते हैं वो किसके होते हैं? तो दोस्तों, फ्यूल सेल हाइड्रोजन सेल के होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन सेल के फ्यूल सेल होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन सेल। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गोबर गैस प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं? दोस्तों, जो गोबर गैस प्लांट होता है तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं? क्या दोस्तों? कौन कौन से भाग होते हैं? दोस्तों, आपको पता है, डाइजेस्टर होता है। क्या होता है? डाइजेस्टर होता है, गैस होल्डर होता है, और इनलेट और आउटलेट पाइप होता है। क्या होता है दोस्तों? डाइजेस्टर होते हैं, गैस होल्डर होता है, इनलेट और आउटलेट पाइप होता है। तो ये गैस गोबर गैस प्लांट के भाग होते हैं। किसके दोस्तों? गोबर गैस प्लांट के ये भाग होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गैर क्षयीय ऊर्जा की नवीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, जो गैर क्षयीय ऊर्जा है उसको नवीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों, उसे तीन तीन क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। भौतिक क्रिया क्रिया द्वारा, क्या दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। ये तीनों प्रक्रिया द्वारा गैर क्षयीय ऊर्जा को नवीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स किसके प्रकार है? दोस्तों, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी है वो रोटर्स, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स हैं वो किसके प्रकार है? तो दोस्तों, ये विंड मिल के प्रकार है। किसके? विंड मिल के ये प्रकार है। किसके? विंड मिल के प्रकार है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जीवित वस्तुओं के स्रोत हैं। क्या दोस्तों? जीवित वस्तुओं के स्रोत हैं। तो दोस्तों, जो जीवित वस्तुओं के स्रोत है वो बायोमास है। क्या दोस्तों? बायोमास के जीवित वस्तु स्रोत हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किस द्रव में होती है? दोस्तों, जो विस्कोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कौन से द्रव? पेट्रोलियम में होती है, डीजल में होती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा डीजल में होती है। किस में होती है? डीजल में होती है। विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किस द्रव में होती है? डीजल में होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इथेनॉल से अधिकांश पानी अलग करने की प्रक्रिया। क्या दोस्तों? जो इथेनॉल है, इथेनॉल से अधिकांश पानी अलग करने की प्रक्रिया तो क्या है? तो दोस्तों, इथेनॉल से अधिकांश पानी अलग करने की जो प्रक्रिया वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। क्या दोस्तों? हाइड्रोलिसिस होती है। क्या दोस्तों? होती है हाइड्रोलिसिस होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, सूर्य प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है? क्या दोस्तों? जो सूर्य होता है वो प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, जो सूर्य प्रति सेकंड में ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो 1 इंटू
10 की घात 23 किलोवाट प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कितनी करता है? 1 इंटू 23 10 की घात 23 किलोवाट प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। दोस्तों अगला पॉइंट है आयनीकरण विकिरण कौन है। दोस्तों जो आयनीकरण विकिरण है वो कौन से हैं, कौन कौन से हैं जो आयनीकरण विकिरण है? तो दोस्तों आपको पता है एक्स रेज है और गामा रेज है। जो एक्स रेज और गामा रेज ये दोनों आयनीकरण विकिरण है। क्या दोस्तों? एक्स रेज और गामा रेज। तो दोस्तों आपको बता दें कौन कौन से एक्स रेज और गामा रेज क्या है, दोनों आयनीकरण विकिरण के आयनीकरण विकिरण है ये एक्स रेज और गामा रेज। दोस्तों अगला पॉइंट है गैर आयनीकरण विकिरण कौन है। दोस्तों जो गैर आयनीकरण विकिरण है वो कौन है? दोस्तों आपको पता है जो गैर आयनीकरण विकिरण है वो यूवीआर मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंजेस। क्या दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट रेंजेस ये गैर आयनीकरण विकिरण है। क्या दोस्तों? यूवीआर अल्ट्रा वायलेट रेंजर्स गैर आयनीकरण विकिरण है। दोस्तों अगला पॉइंट है मनुष्य द्वारा कितनी तरंग दैर्ध्य को आंखों द्वारा देखा जा सकता है। दोस्तों मनुष्य द्वारा जो मनुष्य होता है वो अपनी आंखों के द्वारा कितनी तरंग दैर्ध्य को देख सकता है? तो दोस्तों ये 100 nm से 700 nm तक देख सकता है। कितनी दोस्तों? 100 nm से 700 nm मनुष्य अपनी आंखों के द्वारा तरंग दैर्ध्य को देख सकता है, 100 nm से 700 nm तक। दोस्तों अगला पॉइंट है एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा को दर कहते हैं उसे उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। क्या दोस्तों? कहते हैं उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। जो एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा निकलती है तो उस दर को उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है भारतवर्ष में प्रतिदिन ग्लोबल विकिरण का मान होता है। क्या दोस्तों? भारतवर्ष में प्रतिदिन ग्लोबल विकिरण का मान होता है तो कितना होता है? दोस्तों आपको बता दें ये 450 लेंग ल्यूज होता है। कितना होता है? 450 लेंग ल्यूज होता है, 450 होता है ग्लोबल विकिरण का प्रतिदिन मान होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा द्वारा ठंडे जल को गर्म करने की षड्यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों जो सौर ऊर्जा के द्वारा ठंडे जल को गर्म किया जाता है उस षड्यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस षड्यंत्र को कहते हैं सौर जल हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर जल हीटर कहते हैं, जो ठंडे जल को गर्म जल करने के काम आता है। क्या दोस्तों? ठंडे जल को गर्म करने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? सौर जल हीटर कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किस संग्राही का प्रयोग होता है। दोस्तों तरल पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने के लिए हम किस संग्राही का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपको बताएं जो तरल पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने के लिए हम तरल ऊष्मक संग्राही का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों करते हैं? तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए तरल ऊष्मक संग्राही का प्रयोग करते हैं, तरल ऊष्मक संग्राही का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सौर विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। क्या दोस्तों? सौर विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है वो कौन सी युक्ति है? तो दोस्तों आपको बता दें फोटोवोल्टाइक से भी बदल सकता है और सोलर सेल से भी। फोटोवोल्टाइक और सोलर सेल दोनों युक्ति हैं जिससे सौर विकिरण को और विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है फोटोवोल्टाइक और सोलर सेल के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, तो दोस्तों आपसे ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।